हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके मोबाइल में पावर बटन जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसे कैसे आप सही कर सकते हो। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे आपको क्या करना है। हमारे मोबाइल में जो है पावर बटन वर्क कर रहा है, हम आपको बताने के लिए कैसे आप सही कर सकते हो, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे आप देख लीजिएगा कि हमारा यहाँ पर पावर बटन वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको करना क्या होगा, आपके अपने मोबाइल का जैसे जो चार्जर होता है उसे आपको लगाना है। जैसे आप देख सकते हैं, जब आप चार्जर लगाते होगे तो आपका मोबाइल इस तरह ओपन होके आ जाती हो। तो इसके बाद आपके जो भी पासवर्ड आप लगाए होगे पासवर्ड को डाल देना है। तो जैसे आप देख सकते हैं आपको पासवर्ड को डाल देना है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपके अपने मोबाइल का जो है प्ले स्टोर आपको ओपन कर देना होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने अपने मोबाइल का यहाँ पर दे सकते हैं प्ले स्टोर एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आ जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको इस सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर देना है पावर बटन टू वॉल्यूम बटन, आपको यहाँ पर दे सकते हैं। जब आप सर्च करोगे तो ये एप्लीकेशन आपको देखने को आ जाएगा, जैसे आप दे सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को आपको डायरेक्टली आपको करना क्या होगा, आपको डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे आप दे सकते हैं हमने इसे पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो आपको भी डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, इसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ से ओपन करना है। जैसे आप देख सकते हैं आप में भी कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बूट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस वाले यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन देखने को आएगा, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन ऑफ वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना, जैसे आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते हैं इनेबल डिसेबल वॉल्यूम पावर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पे एक बार प्रेस करोगे, इसके बाद आप दे सकते हैं वॉल्यूम पावर इज करेंटली इनेबल का ऑप्शन आ गया। जैसे आप देख भी सकते हो यहाँ पर डिसेबल है और यहाँ पर इनेबल है, तो आपको यहाँ पर इनेबल कर देना। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं आपको कट कर देख सकते हैं। अब आपको क्या होगा कि जब ऐसे मान लो आपका फोन लॉक हो गया, जैसे आपके बटन यहाँ पर वर्क नहीं कर रही, तो आपने यहाँ पर जब चार्जर को लगाओगे जैसे आप देख सकते हैं आपका फोन ओपन हो जाएगा, या आपकी बटन थोड़ी बड़ी काम कर रही होगी आप इसे देख लीजिएगा। और यहाँ पर अब आपको ऑफ करना है, तो आपको करोगे क्या, जब यहाँ पर देख सकते हैं टर्न ऑफ का ऑप्शन, इससे क्या होगा कि आपका फोन ऑफ हो जाएगा। जब यदि आपकी बटन वर्क नहीं करेगी तो आपका फोन ऑफ भी नहीं होता है। तो आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं आपको टर्न ऑफ स्क्रीन वाले ऑप्शन पे करोगे तो आपका फोन ऑफ हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको हम बताते हैं क्या करना, अगर आपको जैसे दिक्कत आ रही है बटन भी नहीं काम कर रही है, तो आपको करना क्या होगा, आपके यहाँ पर देख सकते हैं अपने मोबाइल को यहाँ पर सेटिंग को ओपन करना होगा। इसके बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आएगा। इसके बाद यहाँ पर स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा, तो आपको स्क्रीन लॉक वाले जब ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप में देख सकते हैं आपको यहाँ पर डबल टैप टू वॉक और टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस वाले ऑप्शन जब इनेबल कर दोगे तो आप क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं अब हमारा फोन यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम जब यहाँ पर देख सकते हैं दो टैप करेंगे हमारा फोन ऑन हो जाएगा। जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ से आप ऐसे करके अपने यहाँ पर पासवर्ड डाल के यहाँ पर ऐसे आप खोल भी सकते हो, अगर ये ऑप्शन आप ऑन कर दोगे डबल टैप। तो जब डबल टैप करोगे आपका फोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, इस बटन का उपयोग भी नहीं करना होगा। तो ऐसे ही आप इसे मतलब जो पावर बटन वर्क नहीं कर रहे ऐसे आप सही भी कर सकते हो, या आप जो हमने सेटिंग बताई है इसे आप यूज करोगे तो आपको फायदा ही होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।